हेलो गाइस, क्या हाल आप सबके। और आज सुबह के 7 बजे हैं। यथार्थ गया अपना भाइयों के साथ रेस लगाने। ये देखिए सुबह सुबह का नज़ारा अपने घर के आसपास का, बहुत ही शानदार लगता है गांव में ना। ये देखिए इन्हें प्याज लहसुन वगैरह लगा के रखते हैं अपनी क्यारियों में। बैंगन के पौधे, बैंगन अभी आए नहीं है शायद। बैंगन के फूल तो आ रहे हैं। देखिए छोटा सा पार्क बैठने के लिए बनाया हुआ है, और ये दोबारा से घास उखड़वा के दोबारा से लगवाया है। ये काफी अच्छा लग रहा है, यहाँ पे काफी बैठते हैं फिर गर्मियों में हम। मेरी देखिए चाय आ गई है। गुड मॉर्निंग, कैसी आई नीनी गाँव में? बढ़िया 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 आती है। और ये बैटरी आ गई हमारी। बढ़िया। रविंद्र राणा अपना फेवरेट काम करते हुए गौर से देखिए इस इंसान को। अगर आप हर आधे घंटे के बाद भी पूछेंगे कि क्या आपको चाय चाहिए तो जवाब हाँ ही होगा, कभी ना नहीं हो सकता। ये तो काम कर दिया था। कम कर दी। इतनी काम हो गई इतनी। व्हाइट व्हाइट ऐसे निकाल के उसको वापस से दोहराया गया है। आंटी मतलब उसका क्या काम है? मैं जो भी मैं वो व्हाइट व्हाइट से ना वहां पे खड़े हैं, मैं साफ साफ पूछता कि नहीं गए यहाँ पे ना वो जो तेरे परदादा बाबा इन सब की ना जो अच्छे अच्छे लोग थे उनकी वो दबी हुई है क्या दबी हुई है? अस्थियां कंकाल। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। सारे बोले में क्या है, मैंने इसको एक बात कही इनके साथ ये ना यहाँ पे ना सारे महान महान उसके दबी हुई है। एक मोदी दबोगो एक गांधी मोदी दबोगो को तो बात तो हूँ अभी से, मोदी तो अभी जिंदा है। वेलकम टू अर्चना। अब हम जा रहे हैं जमीन पे एक ऐसी ओडिशक, चलिए दिखाते हैं। सुबह के 6 बज रहे हैं, 7 बजे का किया था पर हो गया 6, पाँच 6 किलोमीटर तो चलिए हम दिखाते हैं। गाइस ये है मंदिर, हम मंदिर के अंदर जाएंगे। यहाँ के मंदिर के प्रधान मेरे ताऊजी, देखिए वहाँ फोटो लग रही है सबसे ऊपर वाली इस लाइन में। हम आज चोटी पे जाके दिखाते हैं आपको। ये ऐसा माना जाता है 200 साल पुराना। अभी हम कोटी वाले पहुंचने वाले हैं, उसके बाद कुछ नहीं होगा। देखिए
ये फोर्थ फ्लोर है, ये पे जा रहे हैं अब हम। गाइस ये जो मंदिर है ये मेरे पापा के टाइम पे बना था, और ये जो पीपल का ट्री है ये 200 साल पुराना है, और ये जो ये सब है ये मेरे जो बड़े बाबा जी है उनके टाइम पे, ये बहुत महान हस्ती जो थे ना उनका है। ये यहाँ पे लोग पूजा भी करते हैं यहाँ पे भी। तो अब हम बाहर आ चुके हैं, जय भोलेनाथ जी, गो। देखिए वो तो दिख नहीं रहा। गाइस देखिए हम आ चुके हैं यहाँ पे, ये तो पहले ही आ गया था, इसको मैं दिखा ही रहा था, ये कहता आ जा, फिर मैं भी आ गया। वो देख लड्डू आ गया, उसको हम लड्डू कहते हैं आशु को। क्योंकि ये उसका नाम लड्डू इस वजह से रखा क्योंकि वो बचपन में बहुत लड्डू खाया करता था। और हमारे गांव में ना, हमारे गांव में चलाओ, मैं तो भाग जाऊंगा भाई, ऐसी बात है, चलान नहीं कटना चाहिए। सब चलान नहीं कटना चाहिए भाई, स्पीड ब्रेक कराने वाला भाई आराम से चलो। पर तेज तेज भाग लिया यार तुम तो। ओ मैं हो चुका हूँ रेडी, नहा धो के अपना तैयार होके, तो अब देखते हैं खाने में क्या है आज सुबह सुबह नाश्ते में। हमारे कान्हा जी मक्खन और मिश्री का नाश्ता उनको दे दिया है, भोग लगा दिया सुबह, और देखिए है ना सुंदर कान्हा जी, वैसे बहुत सुंदर है वैसे भी। नमस्ते दादी। नमस्ते, ये हमारी प्यारी दादी जी, एक हमारे मतलब पांचों बाबाओं में बाबा जी एक्सपायर हो चुके हैं और दादियों में भी सिर्फ एक ही बचे हैं। और ये देखिए कान्हा जी को ढूंढ रहे हैं, कान्हा जी ये बताओ आपके कौन है, ये मेरे सबसे छोटे देव। और मेरा भाई लगता सबसे छोटे वाला। ए मम्मी जी पूजा पाठ के लिए बैठ जाएंगे अब और पूजा पाठ करेंगे। और ये देखिए ईशा साफ सफाई करते हैं और कपड़ों का सही एक ऐसे रखते हैं, और अन्ना भाभी धो रहे हैं कपड़े। ये देखिए आपको दिखाते हैं, ये देखिए उन्होंने मशीन लगाई हुई है और साथ में घर के और दूसरे काम भी निपटा रहे हैं। अच्छी बात है, ये धो रखे क्या अनाज? अच्छा फिर सवाल फिर हमें भी लेके जाना। हाँ
हमें भी लेके जाना है। अभी सारे खाता बता। अच्छा अच्छा ठीक है, अभी डाल कर रहे। देखिए मम्मा पापा खा रहे हैं खाना और फिर हम जाएंगे करनाल में। तो गाइस अब हम जा रहे हैं। नमस्ते साहु जी। हाँ जी। आज तो बड़ी धूप हो रही है, गर्मी भी। तो गाइस अब हम आ गए हैं घर पे। तो वहाँ पे शेरू पापा ने आते ही उसको कह दिया और वही शेरू आ जा। हाँ वहाँ पे रास्ते में क्या हुआ, एक भीड़ आई तो फिर ना उसने देखा मम्मा और पापा साथ में है, सॉरी बोल के चली गई। सॉरी भाई साहब, रास्ता काट गया। ठीक है दोस्तों, बताइएगा हमारा ब्लॉग कैसा लगा, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो अब हम करते हैं ब्लॉग का एंड, मिलते हैं किसी नए। और आज मैंने एक चैनल है अपना US24 न्यूज, अपने गांव का ही है जो दोस्त है अपना, और उसके साथ भी मैंने थोड़ी सी वहाँ प्रैंकरिंग का लगा लो या फिर उनकी हेल्प की थी। मेडिकल यूनिवर्सिटी घूमने गए थे हम कुटेल में, और ये साथ में वहाँ का भी रिकॉर्ड किया थोड़ा, तो बताना कैसा लगा।